Hey guys, welcome back to my new vlog. कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों. दोस्तों आज आपका भाई जा रहा है मुंबई इस्कॉन टेम्पल जू बीच के पास है ये. तो आज आपको सबको वहीं के दर्शन करवाने वाला हूँ. बने रहना ब्लॉग में, राधे राधे बोलना कमेंट में तो बहुत ही मज़ा आएगा. रश बहुत है यार मुंबई में, ये देखिए पीछे सारा रश है. तो आइए अब चलते हैं. कहाँ कहाँ से निकलना पड़ रहा है भाई. गाइस मुंबई में काफी ट्रैफिक है, ये पीछे देखो मुझे बहुत ही ट्रैफिक है यार. ये देखो मुंबई में कितना ट्रैफिक है. एक दिन आपके भाई भी वहां लगा होगा पोस्टर, देखिए ध्यान से. गाइस मेरे पीछे वो देख रहे हैं, एक ना एक दिन अपना भी यहाँ तस्वीर लगेगा, मुंबई में राज करेगा आपका भाई. काफी लोग मैसेज करते हैं कि भाई मुंबई में इस्कॉन टेम्पल के दर्शन कराओ, इस्कॉन टेम्पल के. तो आज आपका भाई इस्कॉन ही जा रहा है, तो आपको इस्कॉन टेम्पल के छोटे से छोटे दर्शन कराएंगे. बने रहना ब्लॉग में, बहुत ही मजा आ रहा है. मुझे तो आ रहा है भाई, मस्ती करते हैं. आपका भाई जा रहा है इस्कॉन, जाते जाते अपने भाई का प्लान बन गया है मूवी देखने का. तो इनसे पहले टिकट पूछ लेते हैं, फिर चलते हैं हम आगे इस्कॉन, फिर आगे मूवी भी देखेंगे. गाइस अंदर से तो टिकट पता नहीं चला, बाहर से मोबाइल से चेक की तो 1200 रुपये की एक टिकट मिल रही है यार यहाँ पे. छोड़ो ना, इससे अच्छा तो इस्कॉन चलते हैं, वही 1200 का प्रसाद ना चढ़ा दे बंदा. यहाँ पे 1200 वेस्ट करना है तो, बट 1200 रुपये जेब में नहीं है, प्रसाद भी 1200 को नहीं चढ़ा पाऊंगा आपका भाई. चढ़ाएंगे जो आपकी हैसियत होती है उससे चढ़ाएंगे. आइए अब चलते हैं इस्कॉन टेम्पल. गाइस बस आपका भाई इस्कॉन पहुँच गया है, गिनती के 3 गिनने हैं, 1 2 3. सबसे पहले चेकिंग करवा लिया, यहाँ से अपनी चेकिंग करवा के पीछे सारा इस्कॉन टेम्पल है. सबसे पहले हम जूते उतारते हैं, जूते उतार के हम आगे जाएंगे, ठीक है ना. ये पीछे ही जोड़ा घर है, जोड़ा घर में जूते उतारेंगे फिर आपको आगे चलते हैं. मेरे पीछे देखिए शंकर जी, जब शंकर जी ने विष पी लिया था समुद्र मंदिर में तो वो दृश्य दिखाया गया था. तो आइए आपको और दर्शन करवाता हूँ. फाइनली मैं सबके दर्शन कर चुका हूँ. मुझे एक पुस्तक लेनी थी पढ़ने के लिए, तो मैंने यहाँ से अंकल जी से, हमारे प्रभु जी बहुत ही अच्छी इन्होंने पुस्तक मुझे दी है. मैं पुस्तक का एक बार नाम निकाल के दिखा देता हूँ. ये मैंने लिया है,
मेरा ना एक्चुअली काफ़ी दिन से ट्राई था कि मैं बुक्स पढूं, तो आज मैंने ट्राई किया है, लेकिन मेरे को ये सबसे अच्छी लगी, काफ़ी दिखाई थी इन्होंने, तो सोचा सबसे पहले ये पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद काफ़ी और बुक्स लूँगा पढ़ने के लिए। तो आओ आपको कुछ और भी यहाँ का दर्शन करवाता हूँ। सारा मंदिर तो मैंने आपको थोड़ा बहुत सारा तो 100 से 90% तो दिखा दिया, 10% रह गया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से एग्जिट थी, यहाँ से पीछे से एंट्री थी, वो सामने हमारे ठाकुर जी राधा कृष्ण जी विराजमान हैं, प्रभुपाद जी भी विराजमान हैं, वो सबके दर्शन करवाए। अभी आपको पहले मैं यहाँ के थोड़े और मंदिर दर्शन करवा दूँ, फिर ब्लॉग को एंड करते हैं। देखते हैं मैं यहाँ पे कहीं और भी जाता हूँ, उसका भी ब्लॉग डालता रहूँगा, बने रहना ब्लॉग। दोस्तों आपका भाई इस टाइम इस्कॉन टेम्पल के लाइब्रेरी में आ गया, अब आपको यहाँ की लाइब्रेरी दिखाता हूँ, जहाँ से काफ़ी पुस्तक मिलती हैं पढ़ने के लिए, पढ़नी चाहिए, बच्चों को भी पढ़नी चाहिए, बड़ों को भी पढ़नी चाहिए। तो ये पीछे सारी लाइब्रेरी, आपको लाइब्रेरी एक बार सारी दिखा देता हूँ, बस ये देख लीजिए, ऐसी ऐसी पुस्तकें यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी, प्रभुपाद जी के बारे में या ठाकुर जी के बारे में सब कुछ इसमें वर्णन किया गया है, आत्मा का प्रभाव कैसे करना है सब कुछ। मैंने भी एक ली है, मैं भी वो रीड करूँगा। यहाँ पे सभी है सारी, ये देख लीजिए, कंठी माला वगैरह इधर से मिलेगा आपको। तो चलाइए थोड़ा आगे चलते हैं। सब यहाँ पे एक पूजा का भंडार, जैसे यहाँ पे मूर्तियाँ मिलती हैं, पूजा का कोई भी छोटा सा सामान मिल जाता है। आप इधर ये भी देख सकते हैं, कंठी माला वगैरह सब कुछ, झोली वगैरह सब कुछ मिलता है। यहाँ पे देखिए, जब कान्हा जी कृष्ण जी अर्जुन का रथ चलाते हैं, वो दृश्य का यहाँ पे चित्र है। यहाँ पे गौ माता जी के साथ कान्हा हमारे खेल रहे हैं, तो नरसिंह भगवान का दृश्य है, प्रहलाद के पास झोली में बैठे हुए हैं सारा, ये देखिए कान्हा ऊपर से। तो आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। दोस्तों थोड़ा और आगे जाके आप ये सारे देख सकते हैं सामने, ये सामने आपको सब कपड़े वगैरह मिल जाएंगे, कोई लहंगा चोली वगैरह लेना हो सब कुछ मिलेगा यहाँ से। तो भाई आपको एग्जिट पे पेस्ट्री वगैरह खाने के लिए भी बहुत कुछ मिल जाएगा, ये पिज़्ज़ा वगैरह, पिज़्ज़ा स्मॉल है, बिस्कुट चीज़ी है, आपको बहुत कुछ यहाँ पे पनीर टिक्की रोल भी मिल जाएगा, बहुत कुछ है यहाँ पे, जो आपके बजट के हिसाब से वो खाइए। मेरे बजट में भाई इस टाइम कुछ नहीं है, मैं इसलिए कुछ नहीं खाऊँगा। तो आगे चलते हैं, आगे चलोगे यहाँ से एग्जिट बार हो गया सामने, आपका जो इच्छा है वो खाइए, जो इच्छा नहीं है वो मत खाइए। वैसे यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रसाद मिलता है खिचड़ी के रूप में, तो सबसे पहले वो इतनी लंबी लाइन लगी है, लाइन में लग के फिर प्रसाद देना पड़ेगा, आपको पता है प्रसाद आपका भाई छोड़ता नहीं है कभी। तो चलते हैं लाइन में लग के खिचड़ी का प्रसाद लेते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं, आप भी जब आना इसको तो खिचड़ी का प्रसाद जरूर खाना। अपने साथ धोखा हो गया, अपने को खिचड़ी नहीं मिला, कड़ा का हलवा मिला, वो भी प्रसाद है, वो भी ले लीजिए। ये हमें यहाँ से कड़ा का प्रसाद मिला है, क्योंकि खिचड़ी का प्रसाद ख़त्म हो चुका था, तो फिर इसलिए अब कड़ा का प्रसाद बांट रहा था, जिसे हलवा भी कहते हैं, जिन लोगों को नहीं पता कड़ा तो हलवा कहते हैं इसे, ठीक है ना। चलो इसको खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। Krishna, Krishna.